अगर आप एक स्मार्टफोन बाय करते हैं उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ क्या देखते हैं? उसका कैमरा देखते हैं, बैटरी देखते हैं, लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो है प्रोसेसर, मोबाइल का प्रोसेसर। 80% लोग नहीं जानते कि उनके मोबाइल में कौन सा प्रोसेसर है और कौन सा प्रोसेसर होना चाहिए और कौन सा प्रोसेसर मोबाइल के लिए अच्छा होता है। आज के वीडियो हम आपको बताएंगे कि कौन सा प्रोसेसर आपके मोबाइल में होना चाहिए ताकि आपके मोबाइल का परफॉर्मेंस तेज हो सके। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट कर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं प्रोसेसर होता क्या है। आप जितने भी मोबाइल में काम करते हैं, गेम खेलते हैं, नेट चलाते हैं, ओपन करते हैं, किसी ऐप्स को बंद करते हैं, फोटो खींचते हैं, जितने भी आप काम करते हैं मोबाइल में, सभी काम प्रोसेसर का ही होता है। इसे एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बाइक है। बाइक में सबसे मेन चीज़ क्या होता है? उसका इंजन। अगर इंजन अच्छी क्वालिटी के साथ बना रहे, अच्छी कंपनी ने बनाया है, तो इंजन लंबे समय तक चलेगा और अच्छा चलेगा, रन अच्छा करेगा। तो उसी तरह प्रोसेसर होता है। अगर आपका जो प्रोसेसर है अच्छी क्वालिटी से बना रहे, अच्छी कंपनी से बना रहे, तो आपका मोबाइल अच्छा परफॉर्म करेगा, कभी हैंग नहीं करेगा। आप दोस्तों आप समझ चुके होंगे प्रोसेसर क्या होता है। प्रोसेसर कई प्रकार के होते हैं, डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर। आप चलिए समझ लेते हैं ये सब क्या होता है। इसे एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। मान लीजिए मैंने आपको एक काम दिया है, आप अकेले एक काम को 8 घंटे में ख़त्म कर रहे हैं। वहीं दोस्तों अगर 2 लोग मिल जाएंगे उस काम को 4 घंटे में करेंगे, 4 लोग मिल जाएंगे तो 2 घंटे में ख़त्म हो। तो जितने ज़्यादा लोग रहेंगे काम उतनी जल्दी ख़त्म होगा। उसी तरह मोबाइल में होता है। कोर दोस्तों जितना आपके मोबाइल में कोर रहेगा तो उतना जल्दी आपका ऐप्स ओपन होगा, गेम उतना रन अच्छा करेगा, जितने भी आप मोबाइल में काम करते हैं वो फास्ट करेगा। अगर आप डुअल कोर लेते हैं तो आपके मोबाइल में 2 कोर रहेंगे। अगर आप क्वाड कोर लेते हैं तो आपके मोबाइल में 4 कोर रहेंगे। इसका मतलब डुअल कोर से क्वाड कोर 2 गुना तेज चलेगा। तीसरे नंबर पर ऑक्टा कोर। ऑक्टा कोर में 8 कोर होते हैं, तो क्वाड कोर से ऑक्टा कोर अच्छा होगा क्योंकि उसमें 8 कोर हैं, तो अच्छी तरीके से चलेगा, अच्छा रन करेगा। तो आपके मोबाइल में जितने कोर रहेंगे उतना आपका मोबाइल तेज चलेगा, गेम भी चलेगा तेज से, और दोस्तों जितने भी फाइल ओपन करते हैं, ऐप्स ओपन करते हैं, हैंग नहीं करेगा मोबाइल। आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपके मोबाइल में कौन सा कोर है। अपने सेट का नाम गूगल में डालिए और आपको इंफॉर्मेशन मोबाइल का आ जाएगा। वहां पर आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सा आपके मोबाइल में प्रोसेसर दिया गया है। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ नई जानकारी मिली होगी। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।